नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के ऊपर आज हम बात करेंगे और यहाँ पे जो टेक्निकल ग्राफ एनालाइज है, पूरा टेक्निकल ग्राफ एनालाइज करने वाले हैं इस इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का बात करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, देखिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। अगर आप सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का शेयर होल्ड किए हुए हैं तो ये वीडियो आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे वन डे का अगर हम ग्राफ एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप क्या देख सकते हैं। यहाँ पे जो ग्राफ है ओपन हुआ था 3.80 रुपी पे, ठीक है, 3.80 पे ये ओपन हुआ था और क्लोज कितना पे हुआ है देखिए यहाँ पे 3.75 पैसे पे यहाँ पे क्लोज़ हुआ है। तो यहाँ पे ज़्यादा तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं देखने को मिला है और ज़्यादा नुकसान भी नहीं है, बिल्कुल इक्वल पे, मतलब ग्राफ जैसे ओपन हुआ था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमें क्लोज भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव साइन ही हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर हम आज के डेट पे सबसे ज़्यादा हाई रैंक की बात करते हैं तो वो 3.85 रुपी है पैसे है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब 3.8 यहाँ पे जो पैसे हैं वो ऊपर गया 3.85 पैसे हो गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, मतलब यहाँ पे जो उछाल आया है बिल्कुल एक सीमित जैसे ही उछाल आया है, मतलब बिल्कुल एक ही तरफ से, जैसे कि आप देख सकते हैं मतलब 3.8 के ऊपर गया है 3.85, मतलब 5 पैसे का, 0.5 रुपी का यहाँ पे हमें ऊपर नीचे देखने को मिल रहा था करीब 12.5 के आसपास। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद जब यहाँ पे 12.40 हो गया तब यहाँ पे हमें फिर से लोअर सर्किट देखने को मिला है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है, बहुत ही ज़्यादा का मीन्स यहाँ पे हम बता सकते हैं कि 10 पैसे के आसपास हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, ठीक है। अगर हम ओपनिंग के ऊपर यहाँ पे एनालाइज करते हैं तो हमें यहाँ पे 5 पैसे का गिरावट देखने को मिला है। तो यहाँ पे हमें 12.5 के आसपास से गिरावट देखने के बाद हमें थोड़ा सा मतलब अंतिम मतलब 3 बजे के आसपास हमें यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज लेवल देखने को मिला है। इंक्रीज लेवल यहाँ पे सबसे हाई जो था वही हमें देखने को मिला है 3.85। तो यहाँ पे क्लोज़ कितना पे हुआ है देख सकते हैं 3.75। तो ये रहा कुछ वन डे का ग्राफ एनालाइज, जो कि ज़्यादा नुकसान पे नहीं है और यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं है, बिल्कुल इक्वल ग्राफ एनालाइज हुआ है। और अगर हम यहाँ पे 5 डे का बात करते हैं तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे 5.6% पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिला है 5 डे का अकॉर्डिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 डे पहले यहाँ पे कितना था 3.60 रुपी यहाँ पे था, वो अभी उछाल आते आते मतलब 3.80 में आ गया है। तो यहाँ पे कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रोथ लेवल है 5.6%, मतलब ये हमें पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, मतलब लगभग इस हफ्ते अगर हम 1 वीक की बात करते हैं तो हमें पॉजिटिव साइन देखने को मिला है इस हफ्ते। नेक्स्ट हफ्ते क्या हो सकता है, मतलब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है उसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीकली मतलब ग्राफ एनालाइज चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट कीजिए, जैसे मैं पहले आर पावर के ऊपर मतलब रिलायंस पावर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वीकली अपडेट आपको देता रहता हूँ, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी आपको वीकली अपडेट बिल्कुल मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं वन मंथ की ओर। तो 1 मंथ का अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे डिक्रीज पॉइंट देखने को मिला है, ठीक है, 1 मंथ में। तो हमें यहाँ पे जो हमारा जो इन्वेस्टर है ज़्यादातर यहाँ पे रिसर्च के बाद पाया गया है कि वो 6 मंथ से यहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना शुरू किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 मंथ का अगर हम डिक्रीज लेवल का बात करें तो 3.80% यहाँ पे हमें डिक्रीज लेवल देखने को मिला है।
तो यहाँ पे हम 6 मंथ का बात करते हैं। तो 6 मंथ से पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ज़्यादातर हमें हमारा जो बंदा है मतलब जो इन्वेस्टर है वो कौन सी जगह पे परचेस किया है, जब यहाँ पे बड़ा सा उछाल आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे जो उछाल आया है इस उछाल के वक्त ही ज़्यादातर यहाँ पे मतलब इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे अच्छा खासा माल उठा लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे माल उठाया है तो कितने रुपए पे उठाया है, देखिए यहाँ पे 5 रुपए के आसपास यहाँ पे बहुत से इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, लेकिन उन सभी का अभी नुकसान पे चल रहा है। तो कितना नुकसान पे चल रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कितना नुकसान पे चल रहा है, तो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं 27.18% यहाँ पे नुकसान पे चल रहा है उन लोगों का। अगर हम यहाँ पे पैसे की बात करें तो 1.40 पैसे, ठीक है, 1.40 पैसे का अभी नुकसान पे चल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है, अभी यहाँ पे नुकसान पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको होल्ड करके रखना चाहिए। जैसे कि आपको पता है अगर आप पेशेंस रखते हैं और मार्केट से अगर आप कनेक्ट रहते हैं तो आपके लिए जितना मार्केट से आप कनेक्ट रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और जितना चाहिए आप टेक्निकल ग्राफ एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकल ग्राफ एनालाइज के जुड़ी नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको टेक्निकल ग्राफ एनालाइज के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल में आपको टेक्निकल ग्राफ एनालाइज से जुड़ी वीडियो देखने को मिल सकता है। और सिर्फ टेक्निकल ग्राफ एनालाइज के ऊपर वीडियो आप यहाँ पे सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन टेक्निकल ग्राफ एनालाइज करने से ही सब कुछ नहीं होता है, आपको फंडामेंटल एनालाइज भी करना पड़ता है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, जो भी इन्वेस्टर है उनके लिए। तो टेक्निकल ग्राफ एनालाइज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फंडामेंटल ग्राफ एनालाइज अगर आप करना चाहते हैं तो आप किसी और वीडियो पे भी जाके देख सकते हैं, YouTube में आपको बहुत सारा अच्छा अच्छा वीडियो फंडामेंटल एनालाइज के ऊपर मिल जाएगा, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सकता है। तो यहाँ पे जो बाय किया था अभी तो उसका नुकसान पे चल रहा है, तो यहाँ पे आगे क्या हो सकता है और वीकली जो अपडेट है मैं आपको बताता रहूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर आपको ग्राफ एनालाइज करना अच्छा लगता है, टेक्निकल ग्राफ एनालाइज, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।